हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LS अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एंड टुडेज वीडियो विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। पार्ट वन में हमने कुछ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का जो अगला इंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ द LXI इंस्ट्रक्शन। जो LXI इंस्ट्रक्शन है उसकी फुल फॉर्म होती है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। LXI जो इंस्ट्रक्शन है इसका मीनिंग क्या है, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि आप वैल्यूज़ को किस में लोड करते हैं, रजिस्टर पेयर्स में लोड करते हैं। कौन कौन से रजिस्टर पेयर में आप अपलोड करेंगे, आपके पास BC रजिस्टर होता है, DE रजिस्टर होता है और HL रजिस्टर होता है, उसमें आप लोड करेंगे। और जो इमीडिएट है इसका मतलब ये है कि जो आपको डेटा है वो इंस्ट्रक्शन में इटसेल्फ गिवन होगा, यानी जिस डेटा का आपको लोड करना है HL में या BC रजिस्टर पेयर में या DE रजिस्टर पेयर में, वो डेटा आपको गिवन होगा इंस्ट्रक्शन में। तो किस तरीके से इसका जनरल फॉर्मेट होता है LXI इंस्ट्रक्शन का, LXI दे रखा होगा, रजिस्टर पेयर दे रखा होगा कोई भी, DE, BC या HL, और उसके आगे 16-bit का डेटा दे रखा होगा। ठीक है, काम क्या है इस इंस्ट्रक्शन का, दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स द 16-bit डेटा इन द रजिस्टर पेयर। कौन से रजिस्टर पेयर, BC, DE और HL। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा LXI, रजिस्टर पेयर की जगह लिखा H और 16-bit डेटा की जगह लिखा मैंने ये वैल्यू। तो ये जो 2050 है ये LXI वाले इंस्ट्रक्शन में एड्रेस नहीं होगा, इट इज़ ए डेटा वैल्यू। ठीक है, और H का मतलब खाली H नहीं है इस इंस्ट्रक्शन में, H का मतलब है कि जो रजिस्टर पेयर है HL, उसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। अगर मुझे DE में अपलोड करना होता तो मैं सिर्फ D लिखता, अगर मुझे BC में अपलोड करना होता तो सिर्फ क्या लिखता, मैं BC लिखता। ठीक है, और वैल्यू अपलोड कैसे होगी, 2050 आपका डेटा है, 2050 आपका डेटा है, आपको किस में अपलोड करना है, HL में। तो 2050 लिख लीजिए, यहाँ H लिखिए, यहाँ L लिखिए। इसका मतलब है कि 20 किस में अपलोड होगा, जो 20 है वो किस में अपलोड होगा, H में, और 50 किस में अपलोड होगा, L में। 2050 लिख लीजिए और किस में अपलोड करना है, HL में। 50 वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है लोअर ऑर्डर जो 8-bit होंगी वो किस में अपलोड होंगी, L में, और जो हायर ऑर्डर वाली वैल्यूज है वो किस में अपलोड होती हैं, H में। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या दे रखा होता, अगर यहाँ दे रखा होता LXI D 2050H, इसका मतलब वैल्यू किस में अपलोड होती है, D रजिस्टर पेयर में। ठीक है, तो E रजिस्टर में आपकी 50 वैल्यू स्टोर्ड हो जाएगी और D रजिस्टर में आपकी 20 वैल्यू स्टोर्ड हो जाएगी। इसी तरीके से आप BC के लिए स्टोर कर सकते हैं, अगर BC रजिस्टर में आपको सेव करना है। तो हमने एक एग्जांपल लेकर इसी प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश की किस तरीके से वर्क कर रहा है। मान लीजिए BC रजिस्टर पेयर, DE रजिस्टर पेयर है, HL रजिस्टर पेयर है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आपका आता है LXI H 2050। तो क्या चेंजेस आएंगे, जैसा कि हमने बताया कि अगर 2050 है और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, H, इसका मतलब HL है। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, ना तो BC में कोई चेंज होगा ना DE में कोई चेंज होगा। अगर इनमें से पहले से कोई वैल्यू स्टोर्ड है तो वो एज इट इज़ रहेंगी, और HL में अगर पहले से कोई वैल्यू स्टोर्ड है तो वो अपडेट हो जाएंगी, और कोई वैल्यू स्टोर्ड नहीं है तो यहाँ जो वैल्यू दे रखी हैं वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। कौन सी स्टोर होंगी, 50 कहाँ चला जाएगा, L पे, 50 कहाँ आ गया, L पे, 20 कहाँ चला जाएगा, H पे, 20 कहाँ चला जाएगा, H पे। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, और L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ LXI इंस्ट्रक्शन आपका क्या हो रहा है कि जो भी डेटा 16-bit का डेटा है वो किस में स्टोर हो जा रहा है, रजिस्टर पेयर्स में स्टोर हो जा रहा है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ LXI इंस्ट्रक्शंस, विच इज़ ए डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। अब आते हैं हम अगले इंस्ट्रक्शन पर, दैट इज़ LHLD इंस्ट्रक्शन। LHLD इंस्ट्रक्शन की जो फुल फॉर्म है वो है लोड H एंड L रजिस्टर डायरेक्ट। L का मतलब लोड, HL का मतलब HL रजिस्टर पेयर, और D का मतलब डायरेक्ट, यानी आपकी जो H और L रजिस्टर की वैल्यूज़ हैं वो डायरेक्टली लोड हो जाएंगी। कहाँ से लोड होंगी वो अब हम देखते हैं।
LHLD जो इंस्ट्रक्शन है उसका फॉर्मेट क्या होता है, जैसे LXI का फॉर्मेट क्या था, LXI रजिस्टर पे या 16 बिट डेटा, ऐसे ही जो LHLD है लोड रजिस्टर लोड HNL रजिस्टर पे या डायरेक्ट, इसका फॉर्मेट क्या है, LHLD 16 बिट एड्रेस। यानी LHLD इंस्ट्रक्शन में आपको कोई डेटा नहीं दे रखा होगा, आपको क्या दे रखा होगा, 16 बिट का मेमोरी एड्रेस दे रखा होगा, LHLD 16 बिट एड्रेस। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन करता क्या है, दिस इंस्ट्रक्शंस कॉपीज द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन विच इज पॉइंटेड बाय द 16 बिट एड्रेस इनटू द HL रजिस्टर पेयर। यानी ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, LHLD इंस्ट्रक्शन कि 16 बिट एड्रेस पर जाएगा और वहां से कंटेंट को उठाकर उसको किस में डाल देगा, HL रजिस्टर पेयर में डाल देगा। ठीक है, किस तरीके से डालेगा, किस किस लोकेशन से क्या क्या स्टोर होगा वो हम देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले आपकी कंडीशन क्या थी, BC DE HL, कोई भी पुरानी वैल्यू स्टोर्ड है या खाली है सारे रजिस्टर्स। अब इंस्ट्रक्शन आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन है, आपका LHLD 2030। LHLD आपका ये हो गया, 16 बिट एड्रेस की जगह क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 2030 इज द 16 बिट मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेमोरी में जाएंगे किस एड्रेस पर, 2030 पे। 2030 एड्रेस पे क्या मिला आपको, 78 मिला। ठीक, अब जो 2030 पे आपको 78 मिला, आपको किसको लोड करनी है वैल्यूज, किसमें, एच और एल रजिस्टर में, और एच और एल दोनों रजिस्टर कितने कितने बिट के हैं, 8 बिट के, तो एक ही रजिस्टर अपलोड हो सकता है। तो कैसे अपलोड होगा कि 2030 आप एड्रेस पे गए, वहां जो वैल्यू मिली आपको पहली, वो आपने किस में डाली, वो डाली आपने एल रजिस्टर में। तो 78 कहाँ आ जाएगा, 78 आ जाएगा आपका एल रजिस्टर में। अब एच में क्या आएगा, एच में क्या होगा कि जो 2030 की अगली लोकेशन है 2031, वहाँ पर जो डेटा होगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा आपका एच रजिस्टर में। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू होगी 35। यानी LHLD इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि LHLD इंस्ट्रक्शन में जो भी आपको 16 बिट का एड्रेस दे रखा होगा, उस पहले एड्रेस पर, यानी 2030 पे जो पहला एड्रेस दे रखा है, इसके अंदर जो वैल्यू है, इस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है 8 बिट की, वो किस में स्टोर्ड होगी, पहले L रजिस्टर में स्टोर्ड होगी। और इसकी जो नेक्स्ट लोकेशन है यानी कि 2031, वहां पर जो डेटा होगा वो किस में स्टोर होगा, एच रजिस्टर में। ठीक है, तो किस तरीके से स्टोर हो रहा है, जो लोग एड्रेस गिवन इंस्ट्रक्शन में, उससे वैल्यू किस में जा रही है, एल रजिस्टर पर, और उसकी अगली लोकेशन पर जो डेटा स्टोर है वो किस में जा रहा है, एच रजिस्टर पे। इस तरीके से आपका LHLD इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ किसके लिए वर्क कर रहा है, सिर्फ HL रजिस्टर पेयर के लिए। इससे वैल्यू जो अपलोड होंगी वो HL रजिस्टर में होंगी, BC या DE रजिस्टर में कोई मतलब नहीं इस इंस्ट्रक्शन का। दिस इंस्ट्रक्शन इज स्पेशली फॉर HL रजिस्टर पेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज ST इंस्ट्रक्शन। ST इंस्ट्रक्शन का फुल फॉर्म है स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। यानी ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है कि एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, एक्यूमुलेटर क्या है, एक्यूमुलेटर आपका एक 8 बिट का रजिस्टर है, उसका जो कंटेंट होगा उसको क्या करेगा, ये इसका फॉर्मेट क्या है, STA 16 बिट एड्रेस। तो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होगा उसको ये क्या करेगा, इस 16 बिट एड्रेस पर जाकर मेमोरी में स्टोर कर देगा। ठीक है, इसका मतलब मैं फिर से क्लियर कर दूं, STA इंस्ट्रक्शन इज द स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन का क्या काम है कि जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर 8 बिट का डेटा है उसको कहां पर स्टोर कर देगा, जाकर जो उसके आगे 16 बिट का एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पे जाकर स्टोर कर देगा। सो द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, जो कंटेंट होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर का 8 बिट का डेटा, आर स्टोर्ड, स्टोर कर दिया जाता है इन टू द मेमोरी लोकेशन, किस मेमोरी लोकेशन पर, विच इज स्पेसिफाइड बाई द 16 बिट एड्रेस, जो यहाँ 16 बिट एड्रेस में दे रखी होगी। मान लीजिए इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है STA
16 बिट एड्रेस की ये क्या दे रखा है, 202350H हेक्साडेसिमल में दे रखा है, यानी 2350 आपका क्या है, 16 बिट का एड्रेस है। ठीक, ये आपका एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, इसके अंदर वैल्यू 8 बिट की क्या स्टोर्ड है, 35। तो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर्ड होगी, यानी 35 वैल्यू को आप कहाँ स्टोर्ड कर दोगे, जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आप किस एड्रेस पे जाओगे, मेमोरी में 2350 एड्रेस पे जाओगे, और एक्यूमुलेटर की वैल्यू को कहाँ स्टोर कर दोगे, 2350 पर। यही फंक्शन है कि जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो किस एड्रेस पे सेव हो जाएगा, जो एड्रेस यहाँ दे रखा है 2350 एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे ये वैल्यू एक्यूमुलेटर की स्टोर होगी। ठीक है, तो स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको जो आपको इंस्ट्रक्शन में एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पर जाकर एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर कर देता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ STA इंस्ट्रक्शन। नाउ कम टू द फोर्थ इंस्ट्रक्शन, दैट इज STX इंस्ट्रक्शन। STA इंस्ट्रक्शन में क्या है, स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, जबकि STA इंस्ट्रक्शन में क्या था, स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। यानी इस वाले इंस्ट्रक्शन में तो एक्यूमुलेटर कंटेंट हम सीधा मेमोरी लोकेशन दे रखी होती थी, डायरेक्टली वहाँ जाके स्टोर कर देते थे, जबकि STX में ऐसा नहीं होता। आप इंस्ट्रक्शन जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको डायरेक्टली मेमोरी में नहीं सेव कर सकते, यू विल स्टोर इट इनडायरेक्टली। कैसे वो देखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, STAX रजिस्टर पेयर, यानी इसमें 16 बिट का एड्रेस नहीं दे रखा होता, इसमें क्या दे रखा होता, रजिस्टर पेयर, BC रजिस्टर पेयर, DE रजिस्टर पेयर, HL रजिस्टर पेयर। आपको क्या करना है वो देखिए, द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, जो कंटेंट होगा एक्यूमुलेटर का, आर स्टोर्ड इनटू द मेमोरी लोकेशन, किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट, विच इज स्पेसिफाइड बाय द रजिस्टर पेयर। यानी रजिस्टर का एड्रेस डायरेक्ट, जो मेमोरी का एड्रेस है डायरेक्ट नहीं दे रखा, उसकी बजाय वो एड्रेस कहाँ पर स्टोर्ड है, रजिस्टर पेयर में। तो कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर कहाँ पर स्टोर्ड होगा, इनटू द मेमोरी लोकेशन विच इज स्पेसिफाइड बाय द रजिस्टर पेयर, चाहे वो BC रजिस्टर पेयर हो, चाहे वो DE रजिस्टर पेयर हो, या HL रजिस्टर पेयर हो। यानी आप पहले कहाँ जाएंगे, पहले आप HL रजिस्टर, BC रजिस्टर या DE रजिस्टर में जाएंगे, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मेमोरी का एड्रेस मिलेगा। जब आपको मेमोरी का एड्रेस मिल जाएगा तब आप मेमोरी में जाकर एक्यूमुलेटर को स्टोर करेंगे। तो पहले की तरह डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट आपको एड्रेस दे रखा होता है। तो क्या फॉर्मेट दे रखा होता है, STAX D, जैसे मैंने बताया D का मतलब क्या है, DE रजिस्टर पेयर। ठीक है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कहाँ पर स्टोर कर देगा, ये उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर देगा जिसका एड्रेस कहाँ मिलेगा हमें, DE रजिस्टर पेयर में मिलेगा। तो एक्यूमुलेटर में मान लीजिए वैल्यू 58 है इनिशियली, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले, BC रजिस्टर में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, DE रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ है, D के अंदर 20 पड़ा हुआ है, E के अंदर 35 पड़ा हुआ है, D के अंदर 20, E के अंदर 35, HL आपकी ब्लैंक है या कोई और वैल्यू स्टोर्ड है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, अगर STAX दे रखा है D, STAX D से मतलब है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट कहाँ पे सेव करेगा, जो एड्रेस किसके अंदर दे रखा होगा, DE रजिस्टर में दे रखा होगा। एक्यूमुलेटर कंटेंट क्या है, 58, ये 58 कहाँ सेव होगा, ये वहाँ सेव होगा जहाँ पर DE रजिस्टर में एड्रेस दे रखा होगा। DE रजिस्टर में क्या एड्रेस दे रखा है, D में दे रखा है 20, E में दे रखा है 35। तो एड्रेस क्या बना 16 बिट का, 2035। तो आप मेमोरी में किस एड्रेस पे जाएंगे, 2035 एड्रेस पे जाएंगे, और उस एड्रेस पे आप क्या सेव कर देंगे, ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट। तो STAX इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ कि आपको रजिस्टर, जो मेमोरी का एड्रेस था वो देने के बजाय आपको एक रजिस्टर पेयर का एड्रेस दे रखा था। जब आप उस रजिस्टर पेयर पे गए तो आपको उस रजिस्टर पेयर के अंदर से एक एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे जाकर आपने क्या किया, जो आपका एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी वो स्टोर कर। तो rather than storing directly to the memory, we have stored it indirectly. So this is all about these four instructions that we have discussed in the part 2 of the data transfer instruction. I hope these instructions are clear to you. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.